हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त राधिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूं, बिलीव मी, जिसका नाम लेते ही आपके मुंह में आ जाएगा पानी। इतनी चटकारेदार, इतनी स्पाइसी। मैं लाई हूं आज महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्टाइल फूड वड़ा पाव। देखा, आया ना मुंह में पानी। वैसे ही सब कुछ बनाएंगे फ्रेंड्स। ग्रीन वाली चटनी जिसको थेचा बोलते हैं, रेड गार्लिक चटनी और वड़ा कैसे स्पाइसी और किस तरह क्रिस्पी बनाया जाता है, सब टिप्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी वीडियोज हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो वड़ा पाव बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें बहुत सारी चीजें इसमें बनानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्रिस्पी वड़ा बनाने के लिए हम एक बनाते हैं बहुत ही बढ़िया एक बैटर। उसके लिए मैं लेती हूँ एक कटोरी बारीक वाला बेसन। बेसन फ्रेंड्स बारीक ही लेना, इसी से जो हमारा वड़ा है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और डिलीशियस बनेगा। वैसे तो बहुत सारे इसके तरीके होते हैं वड़ा पाव बनाने के, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही इजी वाला वेरिएशन बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक 1 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी अजवाइन इस तरह से हाथ में लेके लो जी। हल्का सा मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 पिंच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, ये रहा। अब इसका हम बनाएंगे बहुत ही स्मूथ बैटर। पानी पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे फ्रेंड्स, पहले इसका एक बहुत मतलब थिक बैटर बनाएंगे, बाद में थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी थिन भी नहीं होनी चाहिए और गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, इस बैटर को एटलीस्ट आधा घंटा रेस्ट करना जरूर छोड़ना, नहीं तो हमारे जो वड़े जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मेन बात होती है इसमें कुछ टिप्स थोड़ा सा ध्यान देने की, अदरवाइज बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। जैसे जैसे बनाते जाओगे आपको मजा भी बहुत आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है, ये देखिए बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो अब इसको रेस्ट करने के आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फटाफट से बनाते हैं इसके लिए बहुत ही बढ़िया थेचा, यानी कि ग्रीन चटनी जो हमारे वड़ा पाव के साथ सर्व होती है। आप ग्रीन चटनी फ्रेंड्स चाहे तो कुंडी सोटा में भी बना सकते हो, या फिर इस तरह से कोई ग्राइंडर भी ले सकते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बनाना है तो ग्राइंडर में भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया बनती है। इसमें मैं डालूंगी बहुत बेसिक चीज़ें जैसे नॉर्मल ग्रीन चटनी बनती है, थोड़ा सा धनिया, ग्रीन चिली वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अदरक थोड़ा सा, 3 से 4 डली लहसुन की, बहुत ही बेसिक चटनी है, और हल्का सा नमक और थोड़ा सा पानी। इसकी हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन चटनी। रेडी हो गया हमारा थेचा, तो इसको किसी कटोरी में निकाल देते हैं और जब हमारा फाइनली वड़ा पाव बनेगा तो उसमें हम लगाकर इसको खाएंगे। इसी तरह से लिक्विडी ही होता है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो हमारी ग्रीन चटनी वाला होता है वैसा ही होता है। थेचा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स हमारा, बेसन का बैटर भी रेडी हो गया। तो अब वड़े तलने के लिए हम पहले आलू का कुछ एक मिक्सचर बना लेते हैं। उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक मतलब फ्लेवर देने के लिए थोड़े से लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च को इस तरह से हम कुंडी सोटे में अच्छे से पीस लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकती हो, लेकिन जो पीसने से फ्लेवर आएगा ना, ओहो हो फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। इस तरह से हम अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो इस तरह से एक बहुत ही बढ़िया फाइन हमारा कोर्सली पेस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। जब आप इसको डालोगे ना आलू के मिक्सचर में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर उठ के आएगा। तो फटाफट से देखते हैं आलू का मिक्सचर कैसे रेडी करना है। सबसे पहले एक फ्राई पैन में फ्रेंड्स 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। बहुत ही बेसिक सी मतलब आलू की सब्जी हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा सच है नहीं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, आप चाहे तो मोटे वाले और छोटे वाले भी दोनों कोई भी डाल सकते हो। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी हींग। कुछ कुछ फ्लेवर्स ही होते हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से चीजों के जो टेस्ट है उभर के आते हैं, ठीक है। इसी में साथ में जो हमने पेस्ट बनाई थी वो वाली डाल देते हैं, ग्रीन चिली और लहसुन की। इसको हल्का सा हम सॉटे करेंगे। मेन बात इसकी फ्रेंड्स वड़ा तलने से होती है। आलू का मिक्सचर तो बहुत आसान है बनाना। थोड़ा सा मैं डालूंगी कड़ी के पत्ते, जिसके बिना हमारी कोई भी महाराष्ट्रीयन डिश कंप्लीट नहीं होती। हल्का सा सॉटे किया, थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी हल्दी, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी मैश किए हुए पोटैटोस। पोटैटोस जो है आलू जो है फ्रेंड्स मैश किए हुए डालने, ठीक है, कद्दूकस बिल्कुल नहीं डालने। इस तरह से हम डाल देंगे,
इसी में बीच में मैं डालूंगी फ्रेंड्स नमक, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से 1.5 अराउंड में डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें डालूंगी लाल मिर्च, बहुत कम क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च भी डाली थी। थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नींबू का रस, ताकि थोड़ा सा चटपटा बनाए। ठीक है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ चॉप किया हुआ धनिया, और थोड़ा सा और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये रेसिपी एक्चुअली मैंने मुंबई से ही किसी से सीखी थी, जो वहाँ पे मतलब स्ट्रीट वेंडर था, जो ये मतलब वड़ा पाव ही बनाता था, तो ये रेसिपी मैंने उसी से सीखी थी। तो एक्चुअल में जो मैं आज आपको रेसिपी सिखा रही हूँ, एग्जैक्ट सेम यही वड़ा पाव आपको वहाँ के स्ट्रीट में मिलता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट, मतलब बहुत ही इजी वे है, क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मली हमारे घर पे होती हैं, बस देखने वाली बात होती है कि कैसे इसको टेस्ट को कैसे लेके आना है। बस होगी हमारी बेसिक सी आलू की सब्जी, इसको अच्छे से मैश करना फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो आलू की सब्जी है बिल्कुल मैशी होनी चाहिए। मतलब इसका पर्पस क्या होता है, अंदर से सॉफ्ट हो और बाहर से हमारा जो वड़ा है बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो। क्रिस्पी कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब बढ़िया सी बनाते हैं इसके साथ जो मिलती है रेड चटनी। स्पाइसी गार्लिक चटनी बनाने के लिए बहुत आसान है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑयल, अराउंड 1-2 टीस्पून। अब इसमें मैं डालूंगी फ्रेंड्स लहसुन की कुछ डलियां, और वो भी छिलके समेत। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, बिलीव मी। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ठीक है, अब इसको हल्का सा हम सौते करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है उठ के आए। यही चटनी तो फ्रेंड्स कमाल करती है, अदरवाइज क्या है पाव, मतलब गाँव में आप वड़ा डाल के कोई भी पकौड़ा डाल के खा रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चीजों से ही इसका जो टेस्ट है ना, बिलीव मी, मतलब जिसे कहते हैं ना जन्नत। हल्का सा जैसे ही लालीपन में आ गया, मैं इसमें डालूंगी पीनट्स इस तरह से। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे। हल्का सा लालीपन में आने पे इसमें मैं डालूंगी थोड़े से सेसमी सीड्स, यानी कि वाइट से, उनको भी हल्का सा हम लाल होने देंगे। ये रहे हमारे सेसमी सीड्स, इनको भी हल्का सा हम सौते कर लेते हैं। इसी चटनी से तो फ्रेंड्स हमारे वड़ा पाव की जान है। जैसे ही हल्का सा ये लाइट ब्राउन हो जाए, इसको गैस पर हम फ्लेम कर देंगे बंद, ताकि उसके बाद जो हम मसाले डालें वो जले नहीं, बस हल्का सा ब्राउन होने दें। गैस का फ्लेम मैंने फ्रेंड्स बंद कर दिया है। इसी बीच मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा नमक, अराउंड 1/2 टीस्पून। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई कोकोनट। बाजार में नारियल का बुरादा मिलते हैं, हम वो डाल देंगे इसमें 1/2 कप। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, गैस का फ्लेम बंद हो, अदरवाइज ये जल भी सकता है। बस हल्का सा हम भूनेंगे, क्योंकि हमारा पैन जो है गर्म ही है। बस हल्का सा हम इस तरह से सौते करेंगे, और इसको किसी भी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो रेडी होगी हमारी स्पाइसी गार्लिक चटनी। कितनी बढ़िया इसका कलर आया, और बिलीव मी कितना बढ़िया ये ग्राइंड हुआ है। बाद में मैं आपको सैंपल करके बताऊंगी इसको कैसे सर्व किया जाता है। ओह कितनी टैम्पिंग लग रही है ना। अब फटाफट से इसके हमने जो आलू उबाले थे उसके फटाफट से बनाते हैं वड़े। अभी फ्रेंड्स हमारा आलू का जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है। इसको आप किसी भी शेप में, चाहे तो गोल गोल ले सकते हो, चाहे तो फ्लैट टिक्की की शेप में भी आप वड़े बना सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, बस बहुत आसान है। इतना सा हल्का सा लिया, अगर आपको गोल चाहिए तो इस तरह से बॉल की शेप में गोल भी बना सकते हो, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। या फिर इस तरह से हल्का सा लिया, पहले गोल बनाया, फिर उसको इस तरह से हल्का सा प्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम अपने सारे आलू की शेप्स को वड़े की शेप में बना के रख लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स हमने सारे जो वड़े हैं शेप में बना लिए हैं, तो अब देखते हैं इसको किस तरह से फ्राई करना है। ऑयल फ्रेंड्स मैंने गरम करने रख दिया वड़े के लिए। अब जो बैटर हमने रेस्ट करने छोड़ा था, इसको बीट करना बहुत जरूरी है। बीट इसलिए ताकि जितना हम बीट करेंगे इसमें हवा वेपोरेट होगी, उससे क्या होगा ये बैटर जो है लाइट हो जाएगा, और जब हम वड़े को फ्राई करेंगे तो एक बहुत ही क्रिस्पी लेयर उसके ऊपर आएगी। ठीक है, इस प्रोसीजर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज वो वड़ा मतलब वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। इसको लगातार 2-3 मिनट तक हम एक ही डायरेक्शन में फेंकते रहेंगे। बैटर को फ्रेंड्स मैंने अच्छे से फेंट लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। जैसे कोई भी हम पकौड़े बनाते हैं, इस तरह से वड़े को बीच में डाला, बहुत ही पतली लेयर इस तरह से करी, और इस तरह से हम फ्राई कर देंगे।
मीडियम गैस पे इसको फ्राई करना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। लेयर जितनी पतली होगी फ्रेंड्स उतना ही वड़ा हमारा जो है क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, ये देखिए बस हल्का सा हम इसको पलट देंगे। ये कितने बढ़िया हमारे वड़े बने। यही तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि इसके ऊपर जो लेयर है बहुत ज्यादा पतली आनी चाहिए, मोटी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज वड़े का जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। इसी स्टेज पे फ्रेंड्स हम जो वड़े को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से हम अपने सारे वड़ों को निकाल लेंगे। अब वड़े तो फ्रेंड्स हमने फ्राई कर लिए, इसके साथ बीच में आपको बेसन का चूरा भी मिलता है, वो असेंबल करके देते हैं, तो देखते हैं उसको कैसे बनाना है। बहुत आसान है, चाहे तो इस तरह से आप छन्नी ले सकते हो, उसके ऊपर भी बैटर डाल सकते हो, वही बैटर जो हमने वड़े के लिए यूज किया था। चाहे तो इस तरह से फिंगर लेके वो भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ इसमें हल्का सा डिप किया, ये देखिए बस इस तरह से हमने बेसन का चूरा बनाना है। बहुत ही टेस्टी लगता है क्रिस्पी क्रिस्पी चूरा वड़े पाव के साथ, इसके बिना तो वड़ा पाव इनकम्प्लीट है। बस इसी तरह से हम सारा चूरा जो है निकालेंगे। हम चाहे तो बीच में थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छी लगती है वड़ा पाव में, स्पेशली जब बारिश हो ना, ओहो ना बारिश हो तो वैसे ही बहुत ही बढ़िया लगती है। बस इसी स्टेज पे हम ये सारे चूरे को निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सीरियसली ये तो ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। साथ ही हम अपनी हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको बिल्कुल ही मतलब पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं असेंबल करने के लिए। ये रहा हमारा चूरा, ये रहे हमारे वड़े, ये हमारी फ्राइड हरी मिर्च, ये हमारा थेचा यानी कि ग्रीन चटनी, और ये हमारी गार्लिक की चटनी। तो फटाफट से देखते हैं इसको कैसे असेंबल करना है, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरह से पाव लिया, पाव ठंडा ही लेंगे, इस तरफ हम लगाएंगे थेचा, ग्रीन चटनी थोड़ा सा इस तरफ भी, आप चाहें तो एक तरफ भी लगा सकते हो, ठीक है। इस तरफ मैं लगाऊंगी ये वाली हमारी जो गार्लिक वाली चटनी है, ओहो ये कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बीच में मैं लगाऊंगी वड़ा, ठीक है, फिर थोड़ी सी गार्लिक चटनी और थोड़ा सा बेसन का ये जो हमने चूरा बनाया और एक हरी मिर्च। ये देखो रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म वड़ा पाव, ये देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। सो फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपने सारे वड़े पाव को असेंबल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।